दैट एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग ऑन टू द ग्राउंड, वो बहुत मज़ा आता है ग्राउंड में अपने 3 साल के बाद मैच खेले तो उसका एक्साइटमेंट बहुत अलग होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड रिएक्ट करता है, माइंड को पता है क्या करना है, लेकिन बिकॉज इतना क्रिकेट नहीं खेले तो बॉडी उतनी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिदम चाहिएगा, लेकिन मज़ा आया खेल के एंड होपफुली यू नो विल बी ग्रेट जब हम खेलते जाएंगे टूर्नामेंट आगे आगे, वैसे मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा आई होगा। थिंक अब सबसे अच्छा तो वही है कि गुजरात जायंट्स में जिस तरह से वीरू के अंडर खेलने का भी एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो अलग तरीके के प्लेयर है। अभी जैसे हम लोग काम साथ में करते हैं कैमरा के सामने, लेकिन खेलने का एक अलग है। उनकी कैप्टनशिप में पहले भी खेला हूँ तो मेरा फ्री फ्लोइंग कैप्टन है, टीम रिलैक्स रहती है, तो जिस तरह से हमने प्रैक्टिस सेशंस भी हुए, जिस तरह से बहुत सारे कोचेज हैं जैसे डैनियल विटोरी भी है जिनके अंडर कोचिंग में मैं आरसीबी के लिए खेला था, तो और उनके साथ अब खेलने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ हम क्रिकेट खेले हुए, साथ में अभी काम कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट ज़रूर है। और गुजरात के बाद कटक में भी खेलेंगे, जोधपुर में भी खेलेंगे, दिल्ली में भी खेलेंगे, तो अगर आप लोग इस लीग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस लीग का सक्सेस आपके बिना तो है नहीं। हम लोग इतना भी अच्छा प्रदर्शन तभी कर पाएंगे जब आप हमें देखने आएंगे, तो मेरी कोशिश वही होगी, आपको भी वही लगना चाहिए कि आप आइए हमें यू नो वो जो फैंस अब ग्राउंड में आएंगे तो उसके हमारा भी जोश बढ़ेगा, तो हमारा जोश बढ़ाने के लिए आप ज़रूर ग्राउंड पे आइएगा।